हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप समोसे कचौरी खाने के शौकीन हैं तो ये चटनी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं दही की चटनी, जो बनाने में भी आसान है और खाने में बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी। तो चलिए ये दही की चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें चाहिए, जैसे कि अदरक ले लेंगे, ये 1 इंच अदरक है जिसे छिलकर बारीक टुकड़ों में काट लिया है। एक हरी मिर्च ले ली है जिसे भी मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच जीरा ले लेंगे, मैंने यहाँ पर कच्चा जीरा लिया है, आप चाहें तो भुना हुआ जीरा भी ले सकते हैं। साथ ही ले लेंगे काला नमक और स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक ले लेंगे, या दोनों नमक में से आप एक नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब कुछ पुदीने की पत्तियाँ लेंगे और कुछ पत्तियाँ लेंगे हम धनिए की। तो बस अब सारी चीज़ों को हम एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे। तो बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। तो ब्लेंडर में डालकर हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि धनिया और पुदीने में ऑलरेडी पानी होता है और इसका हमें बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस इसे हल्का सा क्रश ही करना है। इससे चटनी देखने में भी अच्छी लगेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस ये हल्का सा हमने इसे क्रश कर लिया है, तो ये इस तरह का हमें इसका पेस्ट बना लेना है। इसे दरदरा सा ही रखा है। तो अब इसी के अंदर हम 1 कप गाढ़ा दही मिला देंगे। यदि आप ये चटनी और भी ज़्यादा गाढ़ी बनाना चाहते हैं तो हम कर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दही मिलाने के बाद दोबारा इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा देर तक ब्लेंड नहीं करना है, बस कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड करेंगे, नहीं तो दही है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पतली चटनी हमें नहीं बनानी है। तो ये देखिए एकदम सेमी थिक चटनी बनकर तैयार है। तो इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। इस चटनी को ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ समोसे और कचौरी के साथ खाएं, आप इसे अपने खाने के अंदर शामिल कर सकते हैं। ये किसी के साथ भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देती है। तो ये हमारी लाजवाब रिफ्रेशिंग दही की चटनी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, कैसे लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।